बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शारे फैसल पे मौजूद हूँ। ये जो नीचे पेट्रोल पंप पे रश देख रहे हैं ना, कोई रेट वेट नहीं बढ़ने वाला पेट्रोल का, अब लोग हिम्मत हार चुके हैं। ये एक अनोखा एहतजाज हो रहा है, ना ये आटे की लाइन है ना रोटी की लाइन है। जेडीसी बैरियर टाउन की कंट्री है, शाहिद कुरैशी साहब के ताउन से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, हर जगह जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हो रहे हैं, 1 मिलियन रुपए का 1000 बाइक में पेट्रोल मुफ्त। कि भाई कम से कम 3 दिन अपने बच्चों को रोटी खिला लो, 1 दिन की रोटी का खर्चा 25 रुपए की रोटी है, अगर 8 लोग घर में है तो अंदाजा लगा ले 16 रोटियां 1200 रुपए कैसे पूरा करेगा कोई, कहां से लाएगा पैसा। सूखी रोटी की बात हो रही है, ये तमाम लोग जितने हैं, ये 5 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था, 6:30 बज गए, ये पर्ची दे रहे हैं सबको, जिसमें शाहिद कुरैशी साहब कंट्री हेड बैरियर टाउन का नाम है। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, सैलाब में भी बहुत सपोर्ट किया, और शाहिद भाई की टीम का भी शुक्रिया, जैन जुरा को, और पिशावर में, लाहौर में, जहां जहां वो बोले हर जगह लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम लोग आ रहे हैं, सारी मशीनें इस वक्त ये जेडीसी के पास हैं, जो लोग आ रहे हैं इन सबकी बाइकों में मुफ्त पेट्रोल डाले जा रहे हैं। सिर्फ एक मकसद है कि हुक्मरानों तक ये मैसेज पहुंच जाए, 68% रेवेन्यू देने वाला शहर, 68% रेवेन्यू देने वाले शहर के लोगों के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, किसके पास जाए, कौन सुनेगा। 40,000 रूपये बिल भेज रही है 80 गज के घर का, किराए के घर का, के इलेक्ट्रिक बिल भेज रही है, 25,000 रूपये घर का रेंट है, राशन 30,000 रूपये का आ रहा है, अगर पेट्रोल भी 20,000 का बाइक में डलेगा तो बच्चों की फीसें, किराए, लोग जिंदा कैसे रहेंगे भाई। ये बात किसके आगे जाकर रोए, कहां सर पीटे अपना। ये सर ये एक एहतजाज है भाई, लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई खैरात नहीं दी जा रही, पाकिस्तान के हर शहर में पहुंचेंगे। शाहिद कुरैशी साहब जो है कंट्री है डरिया टाउन, उनका और उनकी टीम का शुक्रिया। मलिक रियाज साहब तक भी अगर हमारी आवाज आ रही है, सर मलिक साहब आप भी एक बोल्ड स्टेप लें, इस वक्त लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, हमारे लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं, हमारे जितने डायलिसिस सेंटर चल रहे, एक एक सेंटर का 1 करोड़ 10 लाख रूपये खर्चा है, 13 सेंटरों के लिए 16 करोड़ रूपये महीना, फ्री लैब के लिए 6 करोड़ रूपये महीना, दस्तरखानों के लिए 1 करोड़ रूपये, कहां से लाए 30-30, 40-40 करोड़ रूपये महीना, कौन दे रहा है। जिसके पास जाओ बोले हालात खराब, हालात खराब, हालात खराब, एक आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं डॉलर के रेट बढ़ने और घटने से, उसको ये पता है कि अगर आज बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा तो बच्चे रात में भी भूखे सोएंगे, कम से कम 3 दिन बच्चों के लिए रोटी ले जाओ भाई। शाहिद कुरैशी साहब बैरियर टाउन कंट्री आपका शुक्रिया, अगर आप साथ देंगे यकीन करें लोग बहुत दुआएं देंगे, सिलसिला जारी रखिएगा भाई, आपसे दरखास्त है प्लीज, ये देख लें किस तरह से लोगों को गिफ्ट तकसीम किया जा रहा है, सारी मशीनों पर हमारे वॉलंटियर खड़े हैं, सारी मशीनों पर। और एक और गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है शेयर जरूर करें, हुकूमती अरकान तक पहुंचनी चाहिए, ये हालत होनी थी हमारे लोगों की, किधर लाके खड़ा किया लोगों को, लाजमी शेयर करें, कमेंट में बताएं। फिर बता दूं बहुत सारे लोग तबसरा करेंगे इससे क्या होगा, ओ भाई प्रोटेस्ट है, एहतजाजन गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे ये नहीं बोला करें इंडस्ट्री लगाओ, मैं एक समाजी आदमी हूं भाई,